नमस्कार, टेक्नीबोट के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। कंप्यूटर जीके के इस चौथे एपिसोड में आज हम फिर से जनरल नॉलेज के 10 बहुत ही अद्भुत, रोचक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछेंगे। इन सवालों के साथ हम आपको 3 ऑप्शन से विकल्प भी देंगे, जिनमें से किसी एक सही उत्तर को आपको चुनना है और कमेंट करके हमें बताना है। सवाल जवाब की इस कड़ी में आपके पास सोचने के लिए 3 सेकंड का समय भी होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि हम हर सवाल और जवाब को एक्सप्लेन भी आपको करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि यह जीके क्विज या सवाल जवाब आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ ही साथ मनोरंजक भी होंगे। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले सवाल पर। द टर्म मेन फ्रेम ओरिजिनली रिफर टू व्हाट? शब्द मेन फ्रेम मूल रूप से किसके लिए संदर्भित है? आपके ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूबों से बना है, सीपीयू युक्त कैबिनेट या कंप्यूटर आईबीएम द्वारा बनाया गया। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सीपीयू युक्त कैबिनेट। मेनफ्रेम कंप्यूटर का ही एक प्रकार होता है, जो मुख्यतः इसकी साइज, मेमोरी कैपेसिटी, इसकी रिलायबिलिटी और प्रोसेसिंग स्पीड के लिए जाना जाता है। मेनफ्रेम का ज्यादा प्रयोग ज्यादातर बड़ी संस्थाओं द्वारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने के लिए, जिसमें काफी ह्यूज अमाउंट में डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, को करने हेतु किया जाता है। एक मेनफ्रेम द्वारा कई कंप्यूटर्स या सर्वर्स का कार्य किया जा सकता है। आप चाहें तो एक साथ 100 से ज्यादा कंप्यूटर या सर्वर्स का कार्य इसके द्वारा करवा सकते हैं। मेनफ्रेम में एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखे जा सकते हैं और इसका निर्माण करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां हैं आईबीएम, हिटाची। मेनफ्रेम की स्पीड मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड MIPS के आधार पर नापी जाती है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हमारा आज का दूसरा सवाल है, सुपर कंप्यूटर की शक्ति को मेजर किसके आधार पर किया जाता है, उसकी यूनिट क्या है? ऑप्शंस हैं बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, दूसरा ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड या अंतिम में फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है फ्लॉप्स या फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही अधिक जटिल कैलकुलेशन को करने में सक्षम होते हैं। इन समस्याओं में अक्सर वही होता है जिसे हम फ्लोटिंग प्वाइंट कहते हैं। एक फ्लोटिंग प्वाइंट मूल रूप से कंप्यूटर पर वास्तविक बड़ी संख्या को एनकोडिंग करने की एक विधि है, जिसमें किसी भी बड़ी संख्या को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ प्रिसाइसली ऑपरेट करना होता है। हम सुपर कंप्यूटर की गति को उसके द्वारा प्रति सेकेंड किए जाने वाले फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशन के आधार पर नापते हैं। कुछ यूनिट्स आपको फ्लॉप के बता दें, 1 गीगा फ्लॉप इक्वल टू 1 बिलियन फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस प्रति सेकेंड। यहाँ पे 1 बिलियन का तात्पर्य 10^9 से है। 1 टेरा फ्लॉप बराबर 1 ट्रिलियन फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशंस पर प्रति सेकेंड होता है। 1 पेटा फ्लॉप बराबर 1 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग प्वाइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड होता है। हमारा अगला सवाल है, फेसबुक में अकाउंट खोलने की न्यूनतम आयु क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 13 साल, 15 साल या 18 साल। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 13 साल। हमारा अगला सवाल है, भारत में सॉफ्टवेयर पायरेसी किस वर्ष कानूनी अपराध बना? इन विच ईयर डिड सॉफ्टवेयर पायरेसी बिकम्स लीगल ऑफेंस इन इंडिया? ऑप्शंस हैं 1984, 1994 या 2004। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 1994। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर को चोरी करने का कार्य है जो कानूनी रूप से प्रोटेक्टेड है। इस चोरी में सॉफ्टवेयर की नकल, वितरण, संशोधन या बिक्री शामिल होती है। 2018 ग्लोबल सॉफ्टवेयर सर्वेक्षण के अनुसार व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर का 37% बिना लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर होता है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के तहत एक सॉफ्टवेयर पायरेसी को नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत आजमाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए न्यूनतम जेल अवधि 7 दिन की होती है और अधिकतम 3 साल तक भी यह हो सकती है। वैधानिक जुर्माना न्यूनतम 50,000 से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक होता है। आज का हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर प्रोग्राम में ईस्टर एग का क्या तात्पर्य होता है? आपके ऑप्शंस हैं लॉजिकल एरर या सिंटैक्स एरर या हिडन फीचर अर्थात छिपी हुई विशेषता। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है हिडन फीचर।
जिस तरह ईस्टर एग नाम बच्चों को खोजने के लिए एक चॉकलेट छिपाने की ईस्टर परंपरा से आता है, उसी तरह सॉफ्टवेयर में भी यह एक हिडन मैसेज या प्रोग्राम होता है जो कि किसी विशेष परिस्थिति में यूजर को दिखाई देता है। ईस्टर एग कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होते हैं और आमतौर पर कुछ मजेदार और अनोखे तरीके से ये आते हैं। यह आमतौर पर एक प्रोग्राम होता है, ज्यादातर यह कंप्यूटर गेम्स या डीवीडी मेन्यू स्क्रीन में पाया जाता है। पहला सॉफ्टवेयर ईस्टर एग 1979 में कंप्यूटर गेम डेवलपर वॉरेन रॉबिनेट ने अटारी वीडियो गेम एडवेंचर के लिए बनाया था। हमारा अगला सवाल है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या भाषा को मान्यता दी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं सी लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज या फोर्ट्रान लैंग्वेज। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है फोर्ट्रान। जी हां, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः इसके तीन कैटेगरीज होती हैं जो कि उनके जेनरेशन पर आधारित हैं। पहली जेनरेशन है या पहला वर्ग होता है मशीन लैंग्वेज का, दूसरा असेंबली लैंग्वेज का और तीसरी जो कैटेगरी है वह है हाई लेवल लैंग्वेज। वर्तमान में हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। कुछ फेमस लैंग्वेजेस हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और इस तरह से और भी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फोर्ट्रान का निर्माण 1957 में जॉन बैकस ने किया था। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन है और इसका प्रयोग मुख्यतः साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, तरुण तेजपाल ने कौन सी प्रसिद्ध वेबसाइट शुरू की थी? ऑप्शंस हैं hangama.com, jhatka.com या tehlka.com। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है tehlka.com। tehlka.com एक ई मैगजीन है जो कि ज्यादातर स्टिंग ऑपरेशंस और खोजी पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं। इनकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसका पहला स्टिंग ऑपरेशन क्रिकेट मैच फिक्सिंग पर 2000 में हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिया ने फिक्सिंग कबूल की थी। हमारा अगला सवाल है, एमएस एक्सेल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? काफी इंटरेस्टिंग और नया आपके लिए हो सकता है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर इसे कमेंट करें। ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, चार्ल्स सिमोनी, डेनिस रिची। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है चार्ल्स सिमोनी। चार्ल्स सिमोनी बुडापेस्ट में जन्मे हैं और एक प्रसिद्ध कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उद्यमी हैं जो फिलहाल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन यूनाइटेड स्टेट्स के चेयरमैन हैं एवं इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के भी चेयरमैन हैं और फाउंडर तथा सीटीओ भी हैं। 1981 से 2002 तक वे माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट थे, जहां उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बेस्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर्स को मैनेज किया और उसी दौरान उन्होंने एमएस ऑफिस का भी विकास किया। सिमोनी ने 1972 से 1980 तक जेरोक्स पोलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में काम किया, जहां उन्होंने ब्रावो नामक पहला विश्विक टेक्स्ट एडिटर बनाया। विश्विक अर्थात व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप करते हैं वही आपको दिखता है स्क्रीन में, इसका तात्पर्य होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वाई फाई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाई फाई? ऑप्शन हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइबर्ड, वायरलेस फाइंडर। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड किया जा सकता है या रिसीव भी किया जा सकता है। यूजर द्वारा भेजे जा रहे डेटा को वायरलेस नेटवर्क 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड तक या फ्रीक्वेंसी पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह पूर्णतः सिक्योर नहीं होता है। वाईफाई का पहला प्रयोग यूजर्स के लिए 1997 में हुआ था, जब 802.11 नामक एक सोसाइटी बनाई गई थी, एक कम्युनिटी बनाई गई थी। इस समिति ने IEEE 802.11 का निर्माण किया, जो कि एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के संचार को परिभाषित करने वाले स्टैंडर्ड्स का एक सेट होता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपी का तात्पर्य क्या है? यदि आपको इसकी जानकारी है तो प्लीज हमें कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। ऑप्शंस हैं
एक्सपर्ट एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है एक्सपीरियंस। विंडो एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2001 में निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक नया वर्टिकल दिया, नया आयाम दिया। पहली बार नए अपडेट्स को इंटरनेट के द्वारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने की सुविधा विंडो एक्सपी से ही शुरू हुई। साथ ही साथ पहली बार अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने की भी सुविधा विंडो एक्सपी में ही शुरू हुई थी। विंडो एक्सपी से पूर्व इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम थे विंडो मी, विंडो 98, विंडो एनटी, विंडो 2000 इत्यादि। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ कंप्यूटर जीके से संबंधित इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे नए जीके के कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।